पन्ना नगर में अभी तक मानसून नहीं हुआ सक्रिय, जिसके कारण सभी तालाब सूखे हुए हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के लोग बारिश न होने की वजह से इन दिनों भीषण जल संकट का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पन्ना नगर में पानी की जलापूर्ति के लिए मुख्य स्रोत प्राचीन तालाब हैं, जिनमें से एक तालाब पूर्ण रूप से सूख चुका है और दो तालाबों में नाममात्र का पानी बचा हुआ है। ऐसे में पन्ना नगर के लोग ऊपर वाले से बारिश होने की प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि पन्ना नगर में प्राचीन तालाबों के अलावा जलापूर्ति के लिए कोई साधन नहीं है। हीरो झीलों, मंदिरों एवं तालाबों की नगरी पन्ना में इस वर्ष जल संकट का खतरा मंडराने लगा है। गौरतलब है कि पन्ना नगर में प्राचीन समय में राजा महाराजाओं को द्वारा पानी की समस्याओं को देखते हुए बड़े बड़े तालाबों का निर्माण कराया था, जिनमें प्रमुख धर्मसागर, लोकपाल सागर एवं नृप्रसागर तालाब हैं। इतना ही नहीं, इन तालाबों को भरने के लिए किलकिला फीडर नहर का निर्माण करवाया गया था, जिससे यह तालाब भर जाते थे, लेकिन किलकिला फीडर नहर में अतिक्रमण हो जाने की वजह से नहर समाप्त हो गई है और तालाबों को भरने में सिर्फ बारिश का पानी की एकमात्र सहारा बचा हुआ है। लेकिन कुछ वर्षों से अच्छी बारिश नहीं होने से होने की वजह से तालाब पूर्ण रूप से नहीं भर पाते, जिस कारण गर्मियों में भी पानी की समस्या से नगरवासियों को जूझना पड़ता है। लेकिन इस वर्ष तो कुछ ज़्यादा ही समस्या सामने खड़ी हुई, क्योंकि पन्ना नगर के बीचों बीच स्थित धर्मसागर तालाब का पानी पूरा सूख गया। इसी तालाब से पन्ना नगर में सबसे ज़्यादा जल सप्लाई होती है, लेकिन तालाब के लीकेज होने की वजह से तालाब के पानी का अनावश्यक बहाव होता रहा और जिम्मेदारों की नज़र नहीं पड़ी, जिससे तालाब में अब पानी नहीं बचा हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में लोकपाल सागर तालाब एवं नृप्रसागर तालाब पन्ना नगर की प्यास बुझा रहे हैं, लेकिन इन दोनों तालाबों में भी ज़्यादा दिनों के लिए पानी नहीं बचा है। अगर एक हफ्ते बारिश नहीं होती तो यह दोनों तालाब भी सूख जाएंगे और पन्ना नगर में भीषण जल संकट का सामना करना पड़ेगा। पानी की चिंता हमको भी है और पूरे पिछले 15 दिन से हम लोग वैकल्पिक सोर्सेज के बारे में, वैकल्पिक व्यवस्थाओं के बारे में पन्ना शहर के पूरे जिले की चिंता हम लोग कर रहे हैं। अभी इसी पिछले हफ्ते हमने तीनों चारों जो पेयजल के तालाब हैं उनका हमने भ्रमण भी किया है। धर्मसागर तालाब में पानी लेना हमने बंद कर दिया, क्योंकि पानी वहाँ बचा नहीं है। लोकपाल सागर और नृप्रसागर सागर से पानी अभी ले रहे हैं, लेकिन वहाँ भी पानी की उपलब्धता बहुत अच्छी नहीं है। तो इसके लिए जो वैकल्पिक अभी व्यवस्था पन्ना शहर के लिए की गई, जितने भी कुएँ हैं शहर के उनकी हम लोग सफाई करा रहे हैं और उनका पानी की टेस्टिंग करा रहे हैं, पीने का पानी स्वच्छ रहे उसके लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। और आसपास भी जो अगर कोई तालाब है जहाँ पे पीने का पानी वहाँ से पन्ना शहर को हम ला सकते हैं उसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं। पूरे ज़िले के आज हमने मीटिंग की है चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर, महिला बाल विकास अधिकारी, सारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी, सारे CEO जनपद पंचायत, CEO जिला पंचायत, ADM, बिजली विभाग, वेटनरी विभाग, उन सब से हमने पूरा असेसमेंट लिया है कि उनके किस क्षेत्र में पानी की दिक्कत आएगी। सब लोगों ने एश्योर हमको किया है कि अगले एक महीने तक अगर बारिश नहीं होती है तब भी पानी की कहीं की दिक्कत नहीं है। और इसी तरीके से चूँकि पानी की दिक्कत आदमी के लिए हो सकती है, जानवरों के लिए हो सकती है, तो वेटनरी के निर्देश दिए गए हैं कि वो इस चीज़ को एसेस कर लें, कहीं पे किसी क्षेत्र में अगर पानी की कमी होती है तो जानवरों को पीने के पानी की दिक्कत तो नहीं हो, जानवरों को चारे की दिक्कत तो नहीं होगी। ये सारे बिंदुओं पर आज चर्चा हुई है। अगर बारिश नहीं होती, सूखा की स्थिति बनती है, तो मजदूरों का पलायन रोकने के लिए क्या स्ट्रेटजी होगी, ये सारे बिंदुओं पे तैयारी की गई, कार्ययोजना हम लोग तैयार कर रहे हैं। अगले 3-4 दिन हमारी कार्ययोजना तैयार हो जाएगी। अगर ऐसी कोई राहत की स्थिति निर्मित होती है, पूरा प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है और हम लोग जो भी उचित कार्रवाई होगी करेंगे। और अभी मैं कुछ चर्चा कर रहा था कुछ लोगों से, तो शासकीय लोगों ने ये बताया कि उसका प्रस्ताव बन रहा है। मुझे चिंता इस बात की होती है कि ये जब गर्मी का मौसम आना ही है और जैसे आपदा प्रबंधन की बैठक 3-4 महीने से पहले से हो जाती है, इसी तरह इसकी बैठक पहले क्यों नहीं हो गई, इसके रखरखाव के लिए प्रशासन इतना सुस्त क्यों रहा, ये एक चिंता का विषय है। और जब तक किलकिला फीडर ओपन नहीं होता तो ये मान के चलिए कि धर्मसागर के साथ साथ लोकपाल सागर में भी पानी की कमी के लिए हमें आगे चल के बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्षरत होना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी यहाँ पर ऐसी नदी नहीं है जो 12 महीने जिसमें पानी बहता हो। ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है,
जो उन्होंने यहाँ के बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की कमी को देखते हुए इतने शानदार लोकेशन में ये तालाब रखे थे, जो आज क्षतिग्रस्त हैं। और देखिए, अतिक्रमण के तरफ हमने इसके पहले कलेक्टर साहब श्री कर्मवीर शर्मा जी थे, और कर्मवीर शर्मा जी से मैंने ये बात कही थी कि यहाँ पे जो अतिक्रमण धर्मसागर के ऊपर हुआ है, उनके लिए दीपाली मैम के समय से ज़मीन आवंटित की गई है, और जिनके ऑलरेडी घर रानीगंज में आगरा मोहल्ले में पहले से ही हैं, वो वहाँ ज़मीनों की खरीद फरोख्त करते रहते हैं। थोड़ा सा प्लॉट लिया, उनने अपना बनाया, फिर किसी और को बेच दिया। तो ये तो इनक्रोचमेंट के साथ साथ एक छोटे छोटे से वहाँ व्यापार खुले हुए हैं। इनको प्रशासन को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये नगर का जीवनदायी तालाब है। अगर यहाँ पे ये अतिक्रमण नहीं हटाया जाता तो ये बड़ा चिंता का विषय हो जाएगा। और आए दिन वहाँ एक आध जल समाधि कोई बच्चा लेता है, और मैं CWC मेंबर रह चुका हूँ, तो बच्चों को देखते हुए ये बहुत दुखदायी है। मुख्य स्रोत के लिए कौन कौन से तालाब की जल आपूर्ति से? मुख्य स्रोत में तो देखिए, लोकपाल सागर तो है ही, जिसमें सिंचाई की भी सुविधा है और पेयजल की भी सुविधा है। और निरपत सागर जो है वो बहुत शानदार तालाब है। अगर वहाँ भी इनक्रोचमेंट जो अतिक्रमण है वो थोड़ा सा हट जाए, उसकी पार थोड़ी सी ऊंची हो जाए, तो शायद उसमें भराव और आ सकता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने रखा है। और लोकपाल सागर को तो अब गहरीकरण मांगता ही मांगता है, और चारों तरफ वहाँ भी अतिक्रमण होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं।